हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स और उसमें जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेंटर्स होंगे, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, जो रिजर्वेशन होगा, वो सब चीज़ें इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो आपको ये सब बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अभी पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले हैं, बट जल्दी निकलने वाले हैं आई थिंक। तो आप अपडेट रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस सब से रिलेटेड अपडेट्स देते रहता हूं। अगर कोई भी अपडेट आएगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैं आपको उसको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तो पॉन्डिचेरी का एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे सेंटर दिल्ली में पढ़ा था, वो ऑनलाइन मेरा एग्ज़ाम हुआ था। और उसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जैसे पीजी, पीएचडी, एमबीए की, इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एससी एसटी वालों की 300 रुपये है, पीजी की, पीएचडी की 500 रुपये है, एंड एमबीए की भी 500 रुपये है। और अदर्स के लिए लाइक पीजी की 600 रुपये है, और पीएचडी की 1000 रुपये है, और एमबीए की भी 1000 रुपये है। ये एप्लीकेशन की फ़ी है। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये चार्ज आपका लगेगा, फ़ी चार्ज का। और आप जितने भी फॉर्म फिल करेंगे जिस सब्जेक्ट के लिए, कोर्स के लिए, तो आपको इंडिविजुअली उसकी फ़ीस अलग से देनी होगी। मतलब इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन फ़ी उसके हिसाब से लगेगी, मतलब हर कोर्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी अलग लगेगी। ऐसा नहीं है कि एक ही फ़ी में एक ही और कोई कोर्स के भर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं पॉन्डिचेरी के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनके बारे में बात करूँ, तो उसमें बहुत सारे सेंटर्स दे रखे हैं, उनके कोड भी यहाँ पे दे रखे हैं। लाइक आपका कोड के साथ भी, जैसे आपका हॉल टिकट आएगा तो उसमें कोड भी रहता है। जैसे इन्होंने दे रखा है आइजवाल, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बतूर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, ग्वालियर, हैदराबाद, इम्फाल, इंदौर, जयपुर, जम्मू, अरेकाल, कोची, कोलकाता, कोझिकोड, कोट्टयम, काकीनाडा, लखनऊ, मदुरई, मैंगलोर, माहे, मुंबई, न्यू दिल्ली, वेल्लोर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान, पुंडचेरी, पुणे, रांची, संबालपुर, शिलोंग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। लाइक इसके जो भी हैं ये सब एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। अगर आपका कहीं भी एग्ज़ाम लाइक आपको सेलेक्ट करना होगा, या आपका एप्लीकेशन डेट्स आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको उस सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होगा। तो ये मैंने इसके सेंटर्स हैं उसके बारे में आपको बता दिया है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, क्या इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है, जनरली जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जी और पीजी डिप्लोमा वाले के लिए वो जनरली एंट्रेंस के बेस्ड पे होगा। लाइक आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बेस पे आपको सिलेक्शन होगा। लाइक आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम अटेंड करना होगा, देन आपका एडमिशन होगा आपकी स्कोरिंग या रैंकिंग के ऊपर। अगर मैं पीएचडी वालों की बात करूँ तो उनका कैसे होगा एडमिशन, तो उनका भी जो एंट्रेंस होगा वो 70% का उनका एंट्रेंस होगा, और 30% का उनका पर्सनल इंटरव्यू प्लस एकेडमिक रिकॉर्ड होगा। लाइक उन्होंने एकेडमी में क्या किया है, कैसी उनकी परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे लाइक दोनों को मेजर करके देन उनको 30% में करेंगे। अगर किसी ने नेट या जीआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो उसका डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाएगा पीएचडी में। ये इसके अलग रूल्स रेगुलेशन है, बट उसका डायरेक्टली वहाँ पे पीएचडी में अगर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है तो आपका वहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो इसमें एससी एसटी का रिजर्वेशन है और ओबीसी का भी रिजर्वेशन है। एससी एसटी का जो रिजर्वेशन है, जो एससी में है उनका 15% सीट्स पर रिजर्वेशन है, और जो एसटी में है उनका 7.5% रिजर्वेशन है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो इसमें ओबीसी का जो है 27% रिजर्वेशन दे रखा है एडमिशन में। इसमें जो है ईडब्ल्यूएस का भी कोटा दे रखा है 10%। तो ईडब्ल्यूएस का वो होते हैं जिनको लाइक जनरल में जो नीचे लोग होते हैं, मतलब जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, उनको ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी में आता है। ईडब्ल्यूएस में भी आपको ये रिजर्वेशन दे रहा है। अगर आप डिफरेंटली एबल हैं तो इसमें भी आपको 5% का कोटा दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा लाइक रिजर्वेशन जो पॉन्डिचेरी से है या पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी से है उनको दिया जाता है। पॉन्डिचेरी के हैं, अगर पॉन्डिचेरी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या पॉन्डिचेरी के हैं, तो उसमें अलग अलग कोर्स में अलग अलग आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसमें जम्मू कश्मीर का भी रिजर्वेशन है, लाइक अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं तो उसका भी रिजर्वेशन है इसमें। इसको मैंने इस वीडियो में एंट्रेंस से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। तो इससे काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।